एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट लॉस इन इलेक्ट्रोथेरेपी। सो इलेक्ट्रोथेरेपी के इम्पॉर्टेंट लॉस को हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, और ये वही लॉस हैं जो कि एमपीटी एंट्रेंस में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं एज अ वन लाइनर। ओके, एंड उसी में ही जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर देते हैं, उनके ऑप्शंस में ही कंफ्यूज हो के। सो ये सब लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, एक एक लॉ को समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। सो फर्स्ट इज ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। सो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन के करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, एंड इन्वर्सली होता है रेजिस्टेंस के। सो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है वी इक्वल्स टू आई आर एंड आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। सो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट लॉ इज़ जूल्स लॉ। सो जब भी करंट फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू, तो उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में। कुछ उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है थर्मल एनर्जी में, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे फॉर्म हो रही है थर्मल एनर्जी में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं जूल्स लॉ से। सो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इक्वल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम के फॉर विच द करंट फ्लोस। तो जितनी देर के लिए करंट फ्लो कर रहा है उसके भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो इससे हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है क्यू इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो लॉज हैं वो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, चाहे आप उसको उसके फॉर्मूले को समझ के लर्न करो, बट लर्न तो करने ही पड़ेंगे आपको। एंड उसके साथ साथ रिपीटेशंस भी करना पड़ेगा लॉस का, ताकि अच्छे से आपको रिमेम्बर रहे। सो क्यू इज़ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल्स। सो थर्ड लॉ इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमें पता है कि जब भी एक रे स्ट्राइक करती है किसी न्यू मीडियम में, सो वो डायरेक्टली दूसरे उसमें ट्रांसमिट नहीं होती है, वो बस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है उसी पाथ पे। तो द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सर्फेस ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये आपने 12th या 11th क्लास में भी देखा होगा, या फिर 10th और 9th क्लास में भी आपने ये लॉ जो है वो कॉमनली लर्न किया होगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है इसमें। सो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, एंड पर्टिकुलर ट्रांसमिट नहीं होती है। सो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो नेक्स्ट वी विल कम टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ में हम ये देखते हैं कि जो रेडिएशन होता है उसकी जितनी इंटेंसिटी है किसी सोर्स से, वो डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा सोर्स के, जैसे सोर्स है कहीं से रेडिएशन आ रही हैं, तो सोर्स के पास वाले जो डिस्टेंस होगा वहाँ पे ज़्यादा रेडिएशंस ट्रांसमिट होंगी इन कंपैरिजन टू द एरिया विच इज़ फार डिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स। तो पास वाले डिस्टेंस जो है सोर्स के, वहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी उस एरिया को, एंड दूर वाले में कम मिलेगी। सो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहना चाहता है। इसका जो फॉर्मूला है आई स्क्वायर आई इक्वल्स टू वन अपॉन डी स्क्वायर, इंटेंसिटी इक्वल्स टू वन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो ये एक सोर्स है, सो इसके पास वाली जो एरिया है, पास वाले डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, दूर वाले एरिया पे इंटेंसिटी कम होगी, और ये सोर्स है। सो आप इस इमेज से अच्छे से देख सकते हैं।
सो जितना कम डिस्टेंस उतनी अच्छी इंटेंसिटी, एंड जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम इंटेंसिटी हो जाती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सो कोसाइन लॉ। सो कोसाइन लॉ या फिर लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी सरफेस से 90 डिग्री पे जो रेज है वो आती हैं तो वो पैरेलल हो जाती हैं एंड नो अब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि कॉस 90 जो है वो ज़ीरो हो जाता है। सो नो अब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, एंड अगर कॉस ज़ीरो पे जो रेज हैं वो आती हैं 0 degree पे, सो देन इट विल टेक द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि कॉस ज़ीरो जो होता है वो होता है 1। सो अगर पैरेलल आएगी कॉस 90 विच विल बी 1, नो एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, एंड कॉस अगर हम देखते हैं कॉस 0 degree है सो इक्वल्स टू 1, सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, एंड जो कॉस 45 degree है उस पर 75% तक का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। ओके सो अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी एक रे एक पर्टिकुलर मीडियम से एक दूसरे टाइप के मीडियम में जाती है, जैसे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है या फिर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, सो उस अकॉर्डिंग जो रे होती है वो नॉर्मल से पास नॉर्मल जो है हमारी सरफेस की जो नॉर्मल है मींस 90 degree उसके पास या उससे दूर होके जाती है। सो फॉर एग्जांपल अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है सो हम देखेंगे कि जो रे होगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है सो इंसिडेंस रे जो होगी वो नॉर्मल से फार अवे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो रिफ्रैक्शन कॉज करेगा ये चीज़। सो आप देख रहे होंगे इन इमेजेस में रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, एंड डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हो गई है। सो ये आपने पहले भी अपने स्कूल टाइम पे ये लॉस पढ़े होंगे, सो दीज आर इजी, बट रिविजन्स की ज़रूरत होती है। सो स्नेल्स लॉ बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज़ एन विच इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो नेक्स्ट लॉ इज लॉ ग्रॉथस लॉ। सो ग्रॉथस लॉ बोलता है कि ओनली वो लाइट जो कि अब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम से वही एक फोटोकेमिकल चेंज जो है ब्रिंग्स मतलब लाएगी, जो रे एब्जॉर्ब होगी वही सिस्टम में फोटोकेमिकल चेंज लाएगी, हमें पता है। और जो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी वो उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी रे वो उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जो जितना कम एब्जॉर्प्शन शो करेगी वो उतना ज़्यादा कम पेनिट्रेट होगी। सो पहले वाली जो है वो कम पेनिट्रेट हो रही है, कम एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका, एंड दूसरे वाली जो है रे उसका मोर पेनिट्रेशन है तो वो मोर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, डीप तक जा रही है वो। अब एक प्रिंसिपल भी है इनमें, आरेंडट्स कॉइल्स प्रिंसिपल। सो इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब तक ऐसी रे जो इनसफिशेंट है हमारे एब्जॉर्बिंग टिश्यू को स्टिमुलेट करने में, जहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर रही है उसको वो स्टिमुलेट नहीं कर पा रही है तो वो हमारी बॉडी में रिएक्शन नहीं कॉज नहीं कर पाएगी। सो इस वीडियो में यही मेन लॉज हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। सो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं या रिगार्डिंग लॉज भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तब भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।